भगवान की 8 मूर्तियों का वर्णन भागवत जी में आता है। 8 प्रकार की मूर्तियां होती है भगवान की। एक भगवान की मूर्ति होती है पत्थर की मूर्ति, और उस मूर्ति के द्वारा भी मीरा ने कितना लाभ उठाया था, भगवान में समा गई। चैतन्य महाप्रभु ने कितना लाभ उठाया, अकबर ने कहा बीरबल को कि तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो, ये बिल्कुल बेकार है, पत्थर की पूजा है, वो कोई भगवान की पूजा थोड़ी है, पत्थर की पूजा क्यों करते हो। बीरबल ने कहा जहापना, मूर्ति की पूजा ईश्वर की ही पूजा है। बोले नहीं, मैं नहीं मानता। बोले ठीक है। थोड़े दिन बीते, बीरबल ने एक युक्ति की। अकबर रोज जहां से सैर करने जाते थे वहां रास्ते में एक महिला को बिठा दिया, अकबर का एक चित्र बनवाया, और वो महिला हाथ जोड़ के बैठी है। अकबर ने देखा कि ये महिला रास्ते में बैठी है, क्या बात है बहन जी, आप यहाँ क्यों बैठी हो। बोले मैं जहाँ पनाह की आराधना कर रही हूँ। बोले कौन जहाँ पनाह। बोले देखो ये तस्वीर है उनकी। अकबर ने देखा कि ये तो मेरी तस्वीर है। खुश हो गए कि अरे ये मेरी आराधना कर रही है, मेरी बंदगी कर रही है। सैनिकों को कहा कि इस महिला को सम्मान से दरबार में लाया जाए और इसकी जो इच्छा हो वो पूरी की जाए। लाया गया, उसको कहा गया इसकी जो इच्छा हो वो पूरी की जाए, जो इसको चाहिए वो दे दो। बीरबल ने कहा क्यों इस पर इतनी मेहरबानी दिखा रहे हो। बोले ये हमारी भक्त है, ये हमारी बंदगी कर रही थी। बोले आपकी नहीं कर रही थी, आपकी तस्वीर की कर रही थी। बोले बीरबल कैसी बात करते हो, तस्वीर मेरी ही थी ना। बोले तस्वीर भले आपकी थी पर वो आपकी कहाँ भक्ति कर रही थी, तस्वीर की कर रही थी। अकबर ने फिर कहा तो तस्वीर मेरी ही थी ना, मेरी तस्वीर की भक्ति वो मेरी है। बोले ऐसे ही भगवान की मूर्ति की भक्ति वो भगवान की भक्ति है, मूर्ति की पूजा वो भगवान की पूजा है। अकबर ने अपनी भूल कबूल की और कहा कि शाबाश, सही है सही है। गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं युद्ध के मैदान में कि अर्जुन कोई प्रेम से मुझे पानी भी अर्पण करता है तो मैं पानी भी स्वीकार करता हूँ। मूर्तियों ने दूध नहीं पिया था थोड़े साल पहले, आपने देखा होगा, कईयों ने पिलाया भी होगा, मूर्तियों ने दूध पिया था। तो एक मूर्ति होती है पत्थर की, बोलने के लिए बोल रहा हूं, बाकी वो तो भगवान ही है। उससे मीरा ने लाभ उठाया, चैतन्य महाप्रभु ने, संत तुकाराम ने, कई और महापुरुषों ने लाभ उठाया। गुरु से मंत्र मिले ना तो फिर पथ्य सेवन बहुत जरूरी है, तो ये सब लाभ होते हैं। काकभुषुंडी कहते हैं मैंने गुरुजी से शिव मंत्र के रूप में औषधि ग्रहण की पर पथ्य निराभिमानिता, ये पथ्य है, इसका मैंने जीवन में लाभ नहीं उठाया, पथ्य सेवन नहीं किया, मैं अभिमानी था। गुरु आए तो गुरु को उठकर प्रणाम भी नहीं करता था, बड़ा अक्कड़ था, बड़ी हेकड़ी में जीता था। शराबियों ने शराब पी, शराब की बूंदें कुछ नीचे ढुली, शराबी वहीं सो गए। रात को एक चूहा खाने की तलाश में निकला, शराब की बूंदें जो ढुली हुई थी वो चूहे ने चाट ली। इंसान शराब पीता है तो उसको नशा चढ़ता है, चूहे की खोपड़ी इतनी चढ़ा उसको नशा, दो पैरों के बल पे खड़ा हुआ और दो हाथ से जो दो चार मूंछ के बाल थे उनको ऐंठता हुआ बोला बुलाओ बिल्ली की बच्ची कहाँ रहती है। चूहा कहता है बिल्ली की बच्ची कहाँ रहती है, आएगी तो भागने की जगह नहीं मिलेगी, मर जाएगा। तो जैसे चूहे ने शराब पी और ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे ही आज किसी ने धन की, सत्ता की, सौंदर्य की, यौवन की शराब पी ली और मतवाला हो रहा है। धन यौवन यो जाएंगे जा विधि उड़त कपूर, नारायण गोविंद भज क्यों चाटे जग धूल, सियावर रामचंद्र की जय। मुझे तो सुखमणि की बात बहुत अच्छी लगती है, सुखमणि साहिब का वचन है, एक भक्ति भगवान नानक साची मानो, जिह प्राणी के नहीं मानी, नानक मानो ताही तनु,
जैसे सुकर स्वान, जैसे सुअर और कुत्ते का शरीर है, ऐसे उनका शरीर है जिनके दिल में भक्ति नहीं पर अभिमान है। गुरु नानक देव जी का, सुखमणि साहिब का वचन है। तो भगवान की एक मूर्ति पत्थर की, जिसके द्वारा मीरा ने अद्भुत लाभ उठाया, जिद कर ली अपने बाप से कि मुझे तो भगवान की मूर्ति चाहिए चाहिए चाहिए। तो मीरा ने लाभ उठाया, हम भी उठाएं। दूसरी मूर्ति होती है काष्ठ की, लकड़ी की। तीसरी मूर्ति होती है धातु की, फिर सोने की भी हो, चांदी की हो, तांबे की, पीतल की, जो धातु की मूर्ति, उससे भी लाभ होता है। चौथी होती है चित्र की मूर्ति, तस्वीर, पेंटिंग की हुई हो, या कई ऐसे चित्र नहीं होते हैं कांच की फ्रेम में बढ़ाकर लोग हनुमान जी के, देवी के, शिव जी के चित्र रखते हैं, गुरुदेव के, गुरु का चित्र। भगवान की तस्वीर पर तो चंदन का हार चढ़ा सकते हैं, पर अपने गुरुदेव की तस्वीर पर चंदन का हार कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ताजे फूलों का हार चढ़ा सकते हैं, पर सदगुरु की तस्वीर पर चंदन का हार नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान की मूर्ति पर, भगवान के चित्र पर चढ़ा सकते हो, गुरु पर नहीं। फूलों का हार चढ़ाओ। घर में पूजा करने बैठो, जप करने, तो दिया जलाओ जरूर, और दिया थोड़ा अपने से दाईं तरफ रखना, और धूप बत्ती जलाओ तो धूप बत्ती अपने से थोड़ा बाईं तरफ रखना, विशेष लाभ होगा, बरकत आएगी। घर में कभी कभी एक अनुष्ठान करो श्री आशारामायण के पाठ का या गुरु मंत्र का, उसकी विधि समझ लो अनुष्ठान की। बराबर ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर के बीच ईशान कोण में पांच चीजें मिलाकर स्वस्तिक बनाओ, गौमूत्र, गंगाजल, हल्दी, कुमकुम, शुद्ध गुलाब जल, ये पांच चीजें मिला के अपने हाथ से स्वस्तिक बनाओ। तुलसी का गमला रखो, गुरुदेव की तस्वीर रखो, और नीचे जमीन पर एक शुद्ध कपड़ा बिछाकर, नया एक टुकड़ा, उस पे गेहूं के दानों से स्वस्तिक बनाओ, गेहूं के दानों से, और उसके बीच में तांबे का लोटा जल भर के रखो, उसके ऊपर श्रीफल, नारियल आदि जो रखना हो रख दो। तांबे के लोटे में हो सके तो एक रुपए का सिक्का और एक चार आने का सिक्का डाल दो, हो सके तो, नहीं तो चलेगा। फिर तिलक करो, ओम गम गणपतये नमः, मन में मंत्र बोलो कि हम अमुक काम की सिद्धि के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं, भक्ति के लिए, या अमुक बिगड़ा काम संवारने के लिए हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं। ओम गम गणपतये नमः, हमारा अमुक काम जरूर इस अनुष्ठान से सफल होगा। और फिर पाठ शुरू करें, रोज एक समय पे बैठे, एक स्थान पे बैठे, ज्योत आदि प्रगटा के बैठे, तिलक करके बैठे, संकल्प को रोज दोहरा के बैठे, 7 दिन 11 दिन जितने दिन का करें करें। फिर अनुष्ठान की समाप्ति हो तो 5-7 कन्याओं को भोजन करा दिया, नहीं तो ये भी क्षमता ना हो तो सूर्य को जल दे दिया, तांबे के लोटे का जो जल है वो नदी में या तुलसी में डाल दिया, दाने पक्षियों को डाल दिए, बस। ऐसे अनुष्ठान कई जिन साधकों ने किए ना, उनको बहुत लाभ हुआ। मैं कितनों की आपको बातें बताऊं। तो भगवान की एक मूर्ति चित्र की, जिसके द्वारा साधक लाभ उठा सकते हैं, एक टक देखकर, एक टक देखे। पांचवी मूर्ति होती है भगवान की चंदन और मिट्टी के लेप से बनी हुई मूर्ति। छठी मूर्ति होती है, और इस मिट्टी की मूर्ति से एकलव्य ने लाभ उठाया। हालांकि गुरु की मिट्टी की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, पर एकलव्य ने उस जमाने में कुछ होगा बना दी, गुरु ने डांट कर भगा दिया, मैं तुझे विद्या नहीं सिखाऊंगा, पर उसने मूर्ति बनाई और विद्या पाई, लाभ उठा लिया। छठी मूर्ति होती है रेती की। सातवीं होती है मणि की मूर्ति,
कीमती मणियों की मूर्ति, और आठवीं मूर्ति होती है भगवान की मनोमयी मूर्ति। कहीं भी बैठे हो, मनोमयी मूर्ति माने मन में गुरुदेव का स्मरण करके मन की आंखों के सामने गुरु की छवि लाकर हम आनंद, शांति, प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। कहीं भी हो मनोमयी मूर्ति, सदगुरु जी, मेरे सदगुरु जी, ऐसा करके मनोमयी मूर्ति को माने अपने मन की आंखों के सामने गुरु की छवि लाकर, इष्ट की छवि लाकर उनसे लाभ उठाए। सदगुरु जी रे मेरे सदगुरु जी, सदगुरु जी रे मेरे सदगुरु जी, सदगुरु जी रे मेरे सदगुरु जी, सदगुरु जी रे मेरे सदगुरु जी। तारण हारे सब के हो मेरे सदगुरु जी, तारण हारे सब के हो मेरे सदगुरु जी, तारण हारे सब के हो मेरे सदगुरु जी, तारण हारे सब के हो मेरे सदगुरु जी। आपकी शरण ली तो प्रभु प्रीति जागी, आपकी शरण ली तो प्रभु प्रीति जागी, प्रभु प्रीति जागी मेरी जग प्रीति भागी, प्रभु प्रीति जागी मेरी प्रीति भागी। विनती करे है साधक शरण देना स्वामी, विनती करे है साधक शरण देना स्वामी, तारण हारे सब के हो मेरे सदगुरु जी, तारण हारे सब के हो मेरे सदगुरु जी। सदगुरु महिमा देखो ईश्वर ने गाई, सदगुरु महिमा देखो ईश्वर ने गाई। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने सदगुरु की महिमा गाई है। पढ़ो गीता का चौथा अध्याय और 34वां श्लोक सदगुरु की महिमा है। 13वें अध्याय का 7वां श्लोक, 25वां श्लोक, 14वें अध्याय का, 70वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़िए। सदगुरु महिमा देखो ईश्वर ने गाई, सदगुरु महिमा देखो ईश्वर ने गाई, वेद शास्त्र गीता में भी गुरु महिमा गाई, वेद शास्त्र गीता ने भी गुरु महिमा गाई, हृदय कमल में गुरु समाई, हृदय कमल में गुरु की मूरत समाई, भगवान की गुरु की मनोमयी मूर्ति हृदय कमल में समाई, हृदय कमल में गुरु की मूरत समाई, हृदय कमल में गुरु की मूरत समाई, तारण हारे सब के हो सदगुरु जी, तारण हारे सब के हो मेरे सदगुरु जी। भाई मीरा जैसी हमको गुरु भक्ति देना, भाई मीरा जैसी हमको गुरु भक्ति देना, शबरी जैसी हमको सेवा निष्ठा देना, शबरी जैसी हमको सेवा निष्ठा देना,
चरणों में रखना गुरुवर, दूर नहीं करना। 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 तारणहार सब के हो का ध्यान, हर भाई हर बहन हम सभी जहां तहां उसका दर्शन कर सकते हैं, मनोमय मूर्ति का।